दोस्तों ये वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटे के आइकन को दबाइए, ऑल पे सिलेक्ट कीजिए और हमेशा नई वीडियोस का मज़ा उठाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 ऐसी एप्लीकेशंस जिनकी मदद से आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं सिर्फ वाईफाई की मदद से। मतलब आपका सिम काम भी नहीं कर रहा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके फ़ोन में सिम कार्ड भी नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए और आप किसी को भी जी भर के कॉल कर सकते हो, फ्री में कितनी भी देर बातें कर सकते हो। तो पहली एप्लीकेशन है हमारे पास टेक्स्ट नाउ। अब टेक्स्ट नाउ काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन को मैं पूरा रिव्यू कर रहा हूँ इस वीडियो में। बाकी ऊपर की जो 4 एप्लीकेशंस हैं वो सिर्फ मैं आपको नाम बताऊंगा, क्योंकि उनकी फंक्शनैलिटी भी सेम ही है, ऐसी कुछ अलग नहीं है। तो इस एप्लीकेशन में आप लोगों को एक कैनेडा या US का नंबर मिल जाता है फ्री, कितने भी टाइम के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो और आप उसे उस नंबर से किसी को भी कॉल कर सकते हो अपनी कंट्री में। अगर आप इंटरनेशनल कॉल करेंगे तो आपको चार्ज लगेगा, मतलब आपको पैसे वगैरह देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इंडिया में कॉल करते हो तो आप कितनी भी देर किसी से भी कितनी भी बातें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और आप उसे SMS भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे अपने दूसरे नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, डायलिंग आ गया है लिखा हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे दूसरे नंबर पे कॉल आ गया है और ये जो नंबर अजीब सा आ रहा है ये US का नंबर है जो कि मुझे उस ऐप की मदद से मिला है, और पीछे देख सकते हो मैं डायल कर रखा है दूसरे फ़ोन से, तभी आपको ये +131 जो कि US का कोड है वो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ऐप है उसने मेरे को US का नंबर दिया और मैं इस नंबर से अब किसी को भी कॉल कर सकता हूँ, चाहे किसी और बंदे के फ़ोन में इंटरनेट हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं पड़ती, बस आपके फ़ोन में वाईफाई होना चाहिए और आप किसी को भी कॉल कर सकते हो चाहे उसके फ़ोन में वाईफाई हो या ना हो, क्योंकि आपको सिर्फ सिम पे कॉल करनी है वाईफाई पे नहीं। और जो इस तरीके की एप्लीकेशन है वो है व्हाट्सएप, IMO, MAAI और ग्रूव IP। अब ये जो 4 एप्लीकेशंस और मैंने लिखी हैं नीचे मेंशन करी हैं ये सब भी ऐसे काम करती हैं, लेकिन इन सब की थोड़ी फंक्शनैलिटी अलग है। जैसे व्हाट्सएप आप लोगों को पता है दोनों बंदों के फ़ोन में व्हाट्सएप एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, IMO का भी सीन ऐसा ही है, माए का भी कुछ सीन ऐसा ही है, लेकिन ग्रूव IP बिल्कुल टेक्स्ट नाउ की तरह काम करती है। मतलब दूसरे बंदे के फ़ोन में अगर वाईफाई कनेक्टेड नहीं है या एप्लीकेशन कनेक्टेड नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप कॉल सिम पे कर रहे हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी।